बाबा महाकाल की कृपा है, स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर अभूतपूर्व आयोजन के बाद गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का यह शुभागमन है। देश के जनगण में देशभक्ति के अपार उत्साह उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शामिल होकर के मैं अत्यंत गर्व और गौरव का एहसास मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ। इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांग जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है। राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में भगवान श्रीराम की भव्य अति भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्रीराम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई, मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल की नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्य प्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में अध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चले गए, श्रीराम कथा सप्ताह में गायन कथा वाचन श्री रामचरित मानस पाठ प्रतियोगिता भजन संध्या नृत्य नाटिका परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार में फूल और दिल बिछा करके उनका अभिनंदन किया गया है। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह का आयोजन किया गया है। ओरछा और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयांजलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन मार्ग को सभी धर्मस्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के निर्माण के पुनित कार्य को कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उज्जैन सहित सभी धार्मिक स्थलों पर हवाई और रेल मार्ग से भगवान श्रीराम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्रीराम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप
युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है जब सबका विकास सबका साथ लोकतंत्र का शरीर राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी की प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव नगरों नगरों तक पहुंची है। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है, यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियां और आशा से भरी जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनाओं के खाते में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई है। माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालय में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। यह निश्चय हर्ष और गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार पाकर इंदौर 7वां आसमान पार कर चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ODF डबल प्लस, एक शहर 7 स्टार, 1 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार, 132 शहर 1 स्टार गार्बेज श्रेणी की में पुरस्कृत हुए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनता जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों, स्थानीय निकायों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छता ही नहीं बल्कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कार्यक्रमों जैसे पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग है। मिटा जो नाम तो दौलत की जस्तुजू क्या है, निसार हो न वतन पर तो वो आबरू क्या है, लगा दे आग न दिल में तो वो आरजू क्या है, न जोश खाए जो गैरत से वो लहू क्या है, फिदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वो, फिदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वो, नहीं तो ये फकत हड्डियों का ढेर है वो। परेड आगे बढ़ेगी, बाएं मुड़। परेड बाजू शश, परेड सज।
मध्य से सज। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतोल षष्ठ मध्य से तेज चल। और अब परेड कमांडर के निर्देशों के साथ परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ रही है। परेड सलामी देगी राष्ट्रीय सल्यूट सलामी षष्ठ। योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी। प्रिय बहनों भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलग जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का पावन
स्मरण करता हूं जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत लगभग एक दशक में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके कारण एक ओर जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे गणतंत्र की गौरव गाथा से देश और प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उसके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से देश की सेवा की है, उससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता स्थापित हुई है। उन्होंने जन कल्याण के साथ विश्व कल्याण की अपनी सोच से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस तरह से हम देश में हर बेघर के सिर पर छत देने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने घर घर निर्मल जल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी है। अन्नदाताओं की समृद्धि और खुशहाली को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल की धान खरीदी की बकाया बोनस के एक मुश्त भुगतान को लेकर वादा किया गया था। यह वादा हमने नियत तिथि को निभाया और 12 लाख से अधिक किसानों को एक मुश्त 3,716 करोड़ रूपये की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी करके यह व्यवस्था लागू कर 485 करोड़ की राशि से पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उनका उन्नयन करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 100 से अधिक रोबोटिक्स एवं कोडिक प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित की जा रही है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अनुसूची को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 6,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगरमालवा में नया लॉ कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय हमने पिछली कैबिनेट में किया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास
रोजगार एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से बढ़ई, कुमार, लोहार, राजमिस्त्री, सुनार, मूर्तिकार आदि कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं प्रोत्साहन का लाभ मिलने लगा है। प्रदेश में 28 नए ITI खोले गए, जिनमें 6,700 से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज सहित सभी तकनीकी रूप से कार्यरत महाविद्यालयों के उन्नयन की एक बड़ी योजना बनाई गई है और इसी के अंतर्गत पिछली कल मेरी जब दिल्ली प्रवास यात्रा रही है, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से उज्जैन में भी IIT सैटेलाइट टाउन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करके उज्जैन के लिए शिक्षा के लिए, खास करके तकनीकी शिक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। माननीय मित्रों, ये आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, आमतौर पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन, उनके अलग अलग प्रकार की जांच, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी परंपरा थी कि उनको 4 से 6 महीने का समय लगता था। इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए एक बार एक दिन में एक साथ 700 लोगों को नियुक्ति देने का ये राज्य सरकार का एक तरह से नवाचार भी है और सुशासन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने का भी निर्णय हमने किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से 3,700 करोड़ से अधिक का बैंक लीकेज, लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर 1,00,000 करोड़ की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का हमने निर्णय किया है। कहने के लिए तो अनेक काम है और खास करके हमारे अपने सभी प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदले, लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन बदले, इस दिशा में सरकार ठोस काम करने जा रही है। भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में एक महाअभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर वंचित और कमजोर व्यक्ति तक पहुंचना और पात्रता अनुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। यह यात्रा प्रदेश की सभी 11,654 ग्राम पंचायतों तथा 170 नगरी निकायों में पहुंच रही है। भारत सरकार की जनहितकारी समस्त योजनाओं के पात्र हितग्राहियों तक पहुंचकर उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। इसके अलावा स्थल पर योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इस महाअभियान से कमजोर तबकों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिल रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी की इस महान जनहितकारी पहल का अभिनंदन करता हूं, जो प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। इतना ही नहीं, समाज के सबसे पिछड़े समुदायों को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया को PM जनमन के माध्यम से 9 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 11 लक्ष्यों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों के लोगों और उनकी बसाहटों में जो अभाव बच गए हैं उनका निराकरण किया जा सके। इसके अलावा भी राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की विभिन्न योजनाओं को कारगर ढंग से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है। तेंदुपत्ता तथा अन्य वनोपजों से उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने तथा इनके रहवासी क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देता हूं, जिनके सहयोग से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है।
मैं चाहूंगा कि स्वच्छता के सभी मापदंडों पर आप सबकी लगन और जागरूकता लगातार बढ़े, जिसके माध्यम से हम एक नई इबारत लिखने के लिए, विकास की नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए फैसला कर रहे हैं। मैं आज उम्मीद कर रहा हूं आप सबके माध्यम से, आज का ये हमारा अपना लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्व का दिवस, एक तरह से हमारे बाकी त्योहारों की तुलना में, जैसे दिवाली होली हमारे अपने सांस्कृतिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, लेकिन गणतंत्र के मामले में, जनतंत्र के मामले में 26 जनवरी और 15 अगस्त ये भी हमारे उसके समान त्योहार है और कई अर्थों में इनका ज्यादा मान और सम्मान है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ उज्जैन की वो धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से आजादी की कीमत समझती और समझाती आई है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन की धरती से अपने पौरुष और पराक्रम के बलबूते पर, अपने तलवार के बलबूते पर आक्रांताओं को न केवल धूल चटाई थी बल्कि सुशासन की स्थापना करके विक्रमादित्य ने हमारे राजा राम के राम राज्य की कल्पना को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सुशासन की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उसी प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में गर्भगृह में न केवल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है बल्कि सुशासन की दिशा में सच्चे अर्थों में भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिनके माध्यम से भारत एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ेगा और सुशासन के साथ साथ जनता को विश्वास में लेकर, खासकर गरीब, मजलूम, लाचार, बीमार या किसी दृष्टि से पिछड़े हुए सभी लोगों को साथ लेकर के सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नित नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगी, ये संकल्प करते हुए गणतंत्र दिवस के आज के इस अवसर पर मेरी अपनी आप सबको बधाई, शुभकामना, जय श्री महाकाल। समस्त प्रदेश विकास प्रदेश में हुआ है। हमारी सरकार सभी जातियों, धर्मों, समुदायों की आस्था का सम्मान करते हुए समरस विकास के रास्ते पर चलेगी। अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों का अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ प्रयागराज की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन विकास के अवसर, परंपरागत ज्ञान तथा कौशल, परिश्रमी तथा विवेकशील जनता, नवीन संभावनाओं के अनुसार अपने को ढालने की इच्छा शक्ति, नई चुनौतियों का सामना करने का साहस